कम्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से थायरेस्टर को टर्न ऑफ करते हैं मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन टेक्निक दैट इज नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस में किसी एक्सटर्नल सर्किट का हेल्प नहीं लेना पड़ता है एंड यह कम्यूटेशन टेक्निक ओनली ए सी सर्किट में अप्लाई होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक जो है वो डी सी सर्किट में अप्लाई करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी सी कम्यूटेशन इस टाइप के कम्यूटेशन प्रोसेस में एक्सटर्नल सर्किटरी एलिमेंट्स का हेल्प लेना पड़ता है लाइक इंडक्टर कैपेसिटर एक्सेट्रा टू रिड्यूस द एनोड नोट करेंट ऑफ था बिलो होल्डिंग करेंट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फोस्ट कम्यूटेशन फोर्स्ट कम्यूटेशन का यूज मेनली चॉपर एंड इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है फोर्स्ट कम्यूटेशन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्स टाइप्स इस लेक्चर में हम लोग क्लास से कम्यूटेशन को डिटेल में समझेंगे दैट इज ऑल्सो known एज सेल्फ और लोड कम्यूटेशन यहाँ पर क्लास ए कम्युनिटेशन का सर्किट डायग्राम है जो कि सोर्स वोल्टेज भी एस थाइरेस्टर इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है इसमें कैपेसिटर एंड रेजिस्टर जो है वो एक दूसरे के साथ पैरल में कनेक्ट रहता है जब सोर्स वोल्टेज भी एस इस थायरेस्टर के एकरोस अप्लाई होगा इस थाइरेस्टर केक्रोस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको थास्टर वोल्टेज भी बोलेंगे एंड जब गेट करंट अप्लाई करते हैं तो जो थायरेस्टर है वो ऑन स्टेट में आ जाता है एंड आउटपुट करंट आई नोट प्रोड्यूस होती है जो कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करती है एंड उस करंट से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है सपोज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज भी सी इसके वर्किंग को ग्राफ के हेल्प से समझते हैं तो क्लियरली समझ पाएंगे यहाँ पर गेट करेंट आई है जिसको अल्फा एंगल से ट्रिगर करते हैं तो थायरेस्टर वर्किंग स्टेट में आ जाता है मतलब ऑन हो जाता है जब चॉपर ऑन स्टेट में रहता है तो आउटपुट करेंट आई नोट है वो इनक्रीज होती है एंड कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है इसलिए कैपेसिटर वोल्टेज भी सी भी इनक्रीज होगा एंड थाइरेस्टर के क्रोस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको भी बोलेंगे उसको ग्राफ में जीरो शो कर रहे हैं क्योंकि उसका वैल्यू काफ़ी माइनर होता है इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं आउटपुट करंट फ्लो करने के कारण जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है जिसके कारण उसके करोस वोल्टेज इंक्रीज होता है एंड एक टाइम ऐसा आता है जब कैपेसिटर वोल्टेज भी सी सोर्स वोल्टेज भी एस के इक्वल हो जाता है उस टाइम जो आउटपुट करंट आई नोट है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाती है जब कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाता है तो सोर्स करेंट फ्लो नहीं करती है बट इस इंडक्टर में जो चार्ज स्टोर रहता है वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करता है जिसके कारण कैपेसिटर वोल्टेज कंटिन्यू इंक्रीज होता है जब तक कि इस इंडक्टर में स्टोर्ड चार्ज कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता है मतलब इस कंडीशन में कैपेसिटर वोल्टेज भी का वैल्यू इंक्रीज होता है लेकिन आउटपुट करेंट डिक्रीज होती है क्योंकि सोर्स करेंट फ्लो नहीं कर रही है एंड इंडक्टर में जो चार्ज स्टोर है वो कैपेसिटर के अक्रॉस डिस्चार्ज होता है जब आउटपुट करंट कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है तो थायरेस्टर ऑफ कंडीशन में आ जाता है जब कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाता है इसके बाद भी इंडक्टर करंट फ्लो करने के कारण कैपेसिटर वोल्टेज भी जो है वो इंक्रीज होता है मतलब जब थाईरेस्टर ऑफ स्टेट में आ गया है तो इस कंडीशन में कैपेसिटर वोल्टेज भी जो है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण जो थाइरेस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है एंड उसके थ्रू स्मॉल लीकेज करेंट फ्लो करती है ग्राफ में भी इस लीकेज करेंट को शो करेंगे एंड सिंस थाइरेस्टर ऑफ स्टेट में है तो इस कंडीशन में कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर रहता है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होता है एंड कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीज होगा जब कैपेसिटर वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होकर जीरो हो जाएगा तो उस टाइम जो लीकेज करेंट है यू कैन सी इन द ग्राफ वो भी ज़ीरो हो जाती है जो कि पहले से निगेटिव में फ्लो कर रही थी तो अब इस थार से लीकेज करेंट फ्लो नहीं करेगी जब कैपेसिटर वोल्टेज कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है उस टाइम सोर्स वोल्टेज का इफेक्ट कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा होता है जिसके कारण थास्टर वोल्टेज भी का ग्राफ पॉजिटिव में ड्रॉ होता है उसका कुछ वैल्यू होने के कारण जब कैपेसिटर वोल्टेज कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है उस टाइम सोर्स वोल्टेज ग्रेटर होता है तो उस टाइम जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है पर इस टाइम जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में तब आएगा जब उसके गेट टर्मिनल पर हम लोग अगेन ट्रिगरिंग पल्स और गेट करेंट अप्लाई करेंगे आउटपुट करंट प्रोड्यूस होगी जो कि कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगी एंड कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ पे आउटपुट करंट इंक्रीज होगी एज़ वेल एज़ कैपेसिटर वोल्टेज भी जो है वो भी इंक्रीज होगा एंड एक टाइम के बाद जब कैपेसिटर वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम सोर्स करेंट फ़्लो नहीं करेगी पर उस कंडीशन में इंड इंडक्टर के अक्रॉस जो चार्ज स्टोर रहेगा वो कैपेसिटर के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करेगी तो उस टाइम जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो कंटिन्यू इंक्रीज होगा पर आउटपुट करंट आई नोट जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि सोर्स करंट फ्लो नहीं कर रही है और जो इंडक्टर के कारण आउटपुट करंट फ्लो कर रही है वो कैपेसिटर के क्रॉस डिस्चार्ज हो रही है एंड थारेस्ट्रा वोल्टेज भी जो है उसका वैल्यू ज़ीरो रहेगा ड्यू टू इट्स माइनर वैल्यू एंड आगे भी सेम इसी तरह से ग्राफ रिपीट होगा अब हम लोग फोस्ट कम्यूटेशन एंड नेचुरल कम्यूटेशन के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं नेचुरल कम्युटेशन में इसके इनपुट पे एसी सोर्स अप्लाई करते हैं इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसका यूज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड एसी वोल्टेज कंट्रोलर में किया जाता है इसमें ए सी टर्न ऑफ होने का मेन रीज़न होता है निगेटिव सप्लाई वोल्टेज नेचुरल कम्यूटेशन में ड्यूरिंग कम्यूटेशन प्रोसेस पावर लॉस नहीं होता है एंड फोस्ट कम्यूटेशन में इसके इनपुट टर्मिनल पे हम लोग डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के कम्यूटेशन प्रोसेस में एक्सटर्नल सर्किटरी का रिक्वायरमेंट होता है फोस्ट कम्यूटेशन का यूज चॉपर एंड इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है इसमें जो आर टर्न ऑफ होता है वो ड्यू टू करेंट एंड वोल्टेज बोथ फॉरस्ट कम्युटेशन में ड्यूरिंग कम्यूटेशन पावर लॉस होता है टू गेट मोर वीडियोज फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विजिट ऑन प्ले लिस्ट पेज फेयर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड डिफरेंट टॉपिक्स तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें